हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 65th बीपीएससी का मेंस अब बस 10 दिन के बाद है, जो आपकी मेंस का जो एग्ज़ाम है होने वाला है। और जो 66 देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आगे आने वाला समय में उनको मेंस है, जो आप दिसंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर के 1-2 दिन के बाद से। तो दोस्तों, आज हम अपने मेरा जो लिखा हुआ आंसर है, हम उस आंसर पे आज बात करेंगे। और उसमें है जो क्या ये आंसर आपका 64th मेंस के समय लिखा गया था दोस्तों, जिस समय मैं है जो खुद मेंस दे रहा था उस समय। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि किस तरह से है जो 4 पेज में आपको लिखना है और आंसर को, और कैसे है जो कंसाइज करना है वहाँ पर, इस चीज़ की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं मेंस के अंदर में, या एक पार्ट को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है जो उसका भी आपको प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम में उठाना पड़ता है, क्या है कि आप लिखते लिखते आप है जो भावनाओं में बह जाते हैं, और है जो 2-2.5 पेज है जो एक ही चीज़ को घींच देते हैं, तो कहीं ना कहीं है जो समस्या हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जहाँ मैंने टेस्ट दिया था वहाँ का कॉपी है, और मैंने आस्था आईएएस में टेस्ट दिया था 64th मेंस के समय। उसमें है जो केंद्र राज संबंध से है जो क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र राज संबंध क्या है, क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ लेकिन इस क्वेश्चंस का कोर है केंद्र राज संबंध, उसकी संवैधानिक स्थिति, सहकारी और प्रतिस्पर्धी, और उसका निष्कर्ष। मैंने दोस्तों इस क्वेश्चंस को ऐसे है जो बांट लिया था, लेकिन ये दोस्तों है जो एग्जाम में नहीं करना है, ये है जो एग्जाम में नहीं करना। हम लिखते समय है जो इस चीज़ को बांट लेते थे, लेकिन एग्जाम में है जो आपको मैपिंग कर लेना है कि किस तरह से है जो हमको आंसर को लिखना है। आपको एक कलम पे आप अपने क्वेश्चन पे मैपिंग कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ है जो इस पार्ट में लिखना है। तो दोस्तों, अगर लिखने के लिए सबसे पहले चीज़ें, तो अगर भूमिका की अगर बात किया जाए, केंद्र राज इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्र राज संबंध इतना है जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे दिल्ली विशेष अधिनियम सीबीआई की जांच ने समान सहमति जो वापस ले लिया है 7 राज्यों ने, धारा 6 1946 के अंतर्गत। फिर है जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है, उसमें जो दोनों देश दोनों राज्यों के बीच है जो विवाद चल रहा है केंद्र राज्य के बीच में, तो बहुत सारी ऐसी है, नदी जल विवाद हो गया, तो ये सब चीज़ जो केंद्र राज्य के बीच में जो टकराव है जो चलते रहता है। राज्यपाल की स्थिति के बारे में आप है जो अभी वर्तमान में राजस्थान के बारे में जो चर्चा जरूर कीजिएगा, बंगाल में जो स्थिति हो रही है उसके बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा, आपके महाराष्ट्र में हो रहा है उसके बारे में चर्चा है जो जरूर कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें राज्यपाल की नियुक्ति के लेकर भी है जो कहीं ना कहीं समस्या होती है, तो केंद्र राज्य के बीच में टकराव होते रहता है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं, क्या है केंद्र राज संबंध। भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रेरित होकर दोहरे शासन की संघवाद केंद्र के चारों ओर परिधि के रूप में स्थित है, यह शक्ति के पृथक्करण की स्थिति को बताता है। दोस्तों, ये कॉपी चेक किया हुआ वहाँ जो टीचर है उनके द्वारा चेक किया हुआ, हम लाल पेन से मार रहे हैं आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से है जो आपको है जो ये नहीं कि संविधान के अंतर्गत में जो भी चीज़ है, आप है जो कम से कम जो भूमिका है उस भूमिका को कम से कम है जो एक नए लेवल में आप है जो चिपकाने की कोशिश कीजिए, और वहाँ से अनुच्छेद ही सब चीज़ लिखने का प्रयास नहीं कीजिए। हमेशा अनुच्छेद ही सब चीज़ें जो बॉडी पार्ट में लिखा जाता है वहाँ मत लिखिए, समझ गए, वहाँ एक नए स्तर से है जो आप बनाने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान में केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसे हम केंद्रामुख रूप में अपना कर इसे यूनियन की जगह है जो प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। तो है जो निश्चित रूप से जो इस तरह का है जो आपको लिखना, आप बेहतर लिख सकते हैं, आप अपनी कोशिश की जगह तो इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, ये मेरा लिखा हुआ आंसर, इसीलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। केंद्र राज्य की संवैधानिक स्थिति, विधायक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, मैंने आप फॉर्मेटिंग कीजिए, फॉर्मेटिंग कीजिएगा तो आपका कॉपी में आंसर है जो बहुत अच्छा होगा, फॉर्मेटिंग करने का आपको प्रयास कीजिएगा। अब है जो विधायक की शक्ति के बारे में है, जो भी है अनुच्छेद है उसके बारे में आपको लिखना है, संघ राज्य समवर्ती सूची, संघ क्या है, राज्य क्या है, आपसी शक्तियाँ क्या है, ये सब चीज़ है जो आपको थोड़ा सा है जो इसमें है जो बता देना है। क्योंकि जो क्वेश्चन है केंद्र राज्य के बीच में, तो आप है जो निश्चित रूप से जब आप संविधान की बातें लिखते हैं तो उसमें आपको अनुच्छेद डालना जरूरी होता है, उसकी स्थिति को बताना जरूरी होता है, तब है जो कहीं ना कहीं आपका आंसर है जो बेहतरीन होगा। फिर है दोस्तों कि जो अपवाद में जो कुछ होते हैं कि अपवाद को जरूर लिखिएगा, जैसे 249 अनुच्छेद है, फिर 250 का है, अनुच्छेद 352 का है, ये सब चीज़ है जो कहीं ना कहीं केंद्र राज के बीच में अपवाद की स्थिति को बताता है, तो उस चीज़ को है जो आप जरूर लिखिएगा। अभी सब अनुच्छेद के बारे में तो आपको जानकारी होगा, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें फॉर्मेट बताना है कि आप किस फॉर्मेट से आप है जो इसको लिखिएगा।
सामान्य और आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, अखिल भारतीय सेवा की स्थिति में रेल संचार सुरक्षा, सैनिक बलों की तैनाती, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 360 के तहत कर्मचारियों को वेतन को कटौती कर सकता है। तो जानते हैं दोस्तों कि अभी ये जो सरकारी कर्मचारी के डीए में कटौती है जो किया गया है, एक साल के लिए रोक दिया गया, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप जो अभी वर्तमान समय में पेंडेमिक की स्थिति जो है जो आप जो देखिएगा। फिर है जो वित्तीय आयोग की बात हम करते हैं दोस्तों, इसमें कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग केंद्र राज्य के बीच बंटवारा करता है। अभी दोस्तों है जो 15वां वित्त आयोग हो गया है, उस समय का लिखा हुआ तो 14वें का लिखा हुआ है। अभी है जो हिस्सेदारी 41% हो गया, इसका भी मैंने है जो चर्चा है जो कर दिया है। तो ये सब चीज़ है, 15वें वित्त आयोग में टर्म ऑफ रेफरेंस पे जो विवाद हो रहा था उसके बारे में उस समय की चर्चा थी। तो करेंट से निश्चित रूप से जोड़ना है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है जो अभी 9 नवंबर को सौंपा जाएगा, तो है जो उसको है जो जरूर है जो सौंपने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद ये सब चीज़ एक मैपिंग है, तो इसको जरूर है जो देखेगा कि अनुच्छेद 275 है जो कहता है केंद्र राज्य के अनुदान के रूप में देता है जो वित्त आयोग द्वारा सिफारिश होता है। अनुच्छेद 282 है जो स्वैच्छिक अनुदान कहते हैं, 100% जो पैसा है जो अगर राज्य अगर देता है स्वैच्छिक अनुदान से, तो 80% है जो केंद्र की योजना पर पैसा लगता है और 20% है जो राज्य की योजना पर होता है। तो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो राज्य के ऊपर है जो केंद्र की जो स्थिति है कहीं ना कहीं है जो हमेशा बरकरार रहती है। वो पैसा अगर 1 रुपया देता है तो कहता है कि जो केंद्र की योजनाएं चल रही है उसी योजनाओं पर आपको 80% खर्च करना, बाकी 20% आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। तो ऐसा कुछ मैपिंग जरूरी है दोस्तों, ताकि जो आपका आंसर है जो बेहतरीन हो जाए। 293 के तहत केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, राज्यों की अनुमति नहीं है। अभी है जो हाल फिलहाल में कोरोना पेंडेमिक में दोस्तों दवाई की बात अगर की गई है तो राज्यों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी तरह से आपका जो दवाई किसी भी राज्य किसी भी देश से आप नहीं खरीद सकते हैं, जो भी वितरित होगा कहीं ना कहीं जो राज्य केंद्र सरकार के माध्यम से वितरित होगा वो आप है जो एक नए तरह से जोड़ने का है जो निश्चित रूप से प्रयास कीजिएगा। कॉपरेटिव फेयर डीलिंग, अगर किसी प्रकार का अगर सामूहिक प्रॉब्लम है केंद्र और राज्य प्रांतीय के बीच में, तो उसको दूर करने के लिए GST काउंसिल है, नीति आयोग है जैसे है जो एक दूसरे का, नीति आयोग ने बहुत सारे है जो इंडेक्स है जो जारी करता है राज्यों के बीच में, या उस राज्य की जो योजना है हर घर जल नल जो योजना है बिहार में चल रहा है तो पूरे भारत में लागू करने के लिए, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद के रूप में भी है जो कहीं ना कहीं जो हमारा जो केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है जो रहता है। और कॉपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में आपने GST काउंसिल लिखी है उसके बारे में जो उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। कुछ विवाद है, CVI विवाद जिसे उस समय था, आयुष्मान भारत विवाद था, राज्यपाल की नियुक्ति थी, अर्सैनिक बलों की नियुक्ति थी, तो वो सब चीज़ कुछ विवाद था जो उसको है जो हमें जो देखने का प्रयास उसमें लिखने का प्रयास किए थे। तो 4 पेज में आपको समेटना है, कैसे समेटना है ये आपको समझना है, नहीं तो केंद्र राज्य के बीच में अगर दोस्तों अगर लिखना है तो केंद्र राज्य संबंध में ही है जो आपका बहुत सारा 2-3 पेज का हो जाएगा, लेकिन है जो उसको अनुच्छेद के साथ कुछ आयोग के साथ अगर है जो आपको लिखना है तो राजमन्नार आयोग की जो चर्चा है जो आप इस पर कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो निश्चित रूप से है जो अगर आपको सहकारी हो केंद्र राज्य के बीच में राज्यपाल की नियुक्ति लेकर सहकारी आयोग का भी आया है, पुंछी आयोग का भी आया है, तो ये सब कुछ आयोग का भी चर्चा है जो आपको करने से क्या होता है कि आपकी जो आंसर है जो एक वजन होती है। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन था और बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जिसको है जो आपकी चर्चा है जो आपको हम कर सकते हैं, लेकिन एक मॉडल आंसर टाइप का है जो हमने दिया था, ये न्यायपालिका से रिलेटेड है दोस्तों। आपका जो क्वेश्चंस बनता है न्यायिक सक्रियता, न्याय अति सक्रियता, ये जो क्वेश्चन न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक संयम, न्यायिक संयम है जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है कि न्यायिक संयम आर्टिकल 142 में जो कहता है कि अपने दायरे में रहकर कोई भी चीज़ का अगर जजमेंट अगर देना है न्यायाधीश को तो अपने संवैधानिक स्थिति में ही आकर दे, क्या है कि उनका जजमेंट एक सर्वमान्य जजमेंट होता है और वह आगे के लिए एक नया रास्ता है जो तैयार करता है। तो न्यायिक संयम है जो 142 के अंतर्गत है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी है जो आपको ना कहिए जो न्यायिक पूर्णावलोकन आप जानते हैं 13 और 137 न्यायिक सक्रियता, तो वही सब चीज़ है दोस्तों कि इसको लिखा गया है सिर्फ 192 में आपका कैसे है जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति प्रदान की गई है कि जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में रिक्तता वैक्यूम क्लीनिंग को है जो भरने का काम करेगा, तो ये सब है जो उसका थोड़ा सा पार्ट था दोस्तों। तो ये सब चीज़ तो आप लिख सकते हैं, ये सब तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर न्यायपालिका। तो मैं कुछ अपना फिगर बनाइए, अगर आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि भैया न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है,
तो इस क्षेत्र में जो क्या कर सकता है कि हस्तक्षेप है जो कर सकते हैं, न्यायपालिका का पावर है। तो इस तरह से कुछ है जो डायग्राम है जो आप बना सकते हैं ताकि जो आप समझाने का प्रयास करें। तो कुछ इस तरह से है जो दोस्तों मैंने बनाने का प्रयास किया था। अति सक्रियता, आप जानते हैं कि न्यायालय है जो भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई ऐसी योजनाएं होती है जिसमें जो न्यायपालिका है जो उसमें जो अपना जो कदम बढ़ा देती है, जैसे मैंने रोड ले रेल लिंक बनाना है या कुछ बनाना है, पुल बनाना है, अब क्यों नहीं बन रहा है, तो न्यायालय का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं उसको अति सक्रियता है जो उसको माना जाता है। क्या कि न्यायालय का काम है कि संवैधानिक स्थिति में रहकर किसी भी चीज़ के दायरे में काम करना, लेकिन अगर सरकार के काम में अगर अरंगा लगाता है तो उसको न्यायिक अति सक्रियता भी है जो कहा सकता है, अति सक्रियता भी है जो उसको कहा जाता है। ये सब है दोस्तों मैंने है जो लिखा था, मैंने इसीलिए मैंने आपको यह जो क्षेत्रवाद वाला राजनीति है बिहार की स्थिति जो क्वेश्चन था उस पर जो लिखने का प्रयास किया था। अग्रजाति का प्रतिनिधित्व, लोहियाबादी प्रतिनिधित्व, मंडल कमीशन, बिहार में महादलित, यह जो क्षेत्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों इसको है जो मैंने लिखने का है जो प्रयास किया था। तो एक ओवरव्यू था दोस्तों, इसीलिए बनाए थे कब कब है जो लोकसभा क्षेत्रीय दलों का सर्वाधिक भूमिका देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें कि पांचवीं लोकसभा, नौवीं लोकसभा, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, ये सब ऐसे लोकसभा थे कहीं ना कहीं है जो सर्वाधिक क्षेत्रीय दलों की सर्वाधिक भूमिका देखने के लिए मिला था। तो सब चीज़ है दोस्तों आप है जो इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। पंचायती राज से रिलेटेड है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीके राव समिति, ये समिति था पूरा दोस्तों। उसको है जो कोशिश कीजिएगा कि कवर कर लीजिएगा 57, 77, 85, 86, 92, 93, इसको जो पूरा कवर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर छोटा सा अगर इस तरह का हो तो डेटा है जो वहाँ पर है जो दे दीजिएगा ताकि जो आपका आंसर जो अच्छा हो जाए। पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, क्या क्या प्रावधान किए गए थे उस प्रावधान के बारे में मैंने जो पूरा लिखा था कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 29 विषय जो था उसमें क्या क्या था, ये सब है दोस्तों है जो इसको इसलिए बहुत प्रयास किया। गरीबी से रिलेटेड है, गरीबी का क्या क्या स्थिति है, तो गरीबी क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी क्वेश्चन पूछा था, उसके अनुसार से मैंने जो लिखने का प्रयास किया था। पिना जो डायग्राम बनाया था दोस्तों, डायग्राम है जो आप जानते हैं, अकरावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सबको है जो मैंने कहा कि अब लिख ज़्यादा लिखने से क्या होता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में पढ़ेगा नहीं, आपको कम से कम लिखना है। और है जो पेक्टोरियल फॉर्म में अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ही है जो जरूर है जो लिखाने का जो प्रयास कीजिएगा। फिर है जो रोजगार सृजन, जो क्वेश्चन का डिमांड था उस अनुसार से लिखा गया दोस्तों। रोजगार सृजन कृषि से कैसे है जो दूर किया जाएगा, तो आलोचनात्मक उसका था, आलोचनात्मक परीक्षण करना था तो आलोचनात्मक परीक्षण है जो उसका किया गया। वो है जो निष्कर्ष है दोस्तों, हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हरित क्रांति के दो भाग में हमने बांटने की कोशिश किया था, 50 से 65 और 66 से वर्तमान में, और उसको क्या क्या व्यवस्थाएं थी उसको जो मैंने है लिखने का कोशिश किया था। बस एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं दोस्तों, आप तो सब जानते हैं एग्जाम का समय है आपके पास, कि मैंने कहाँ आपको किस तरह से ग्राफिंग है जो इस तरह से है जो इकोनॉमिक सर्वे में ग्राफ आया था उस ग्राफ को हम उठा कर यहाँ डाल दिए थे, कौन कौन सा क्षेत्र था, तो मैंने बाद में उसको किया था कौन कौन सा क्षेत्र था, फिर जो इसे जो करने की कोशिश किए थे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये सब चीज मैंने एक ऑफर भी दे रहे हैं दोस्तों इसमें, और इम्पोर्टेंट जो है उसको हम और ऑफर भी दे रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या क्या था, परमाणु ऊर्जा से था क्वेश्चन दोस्तों उसको अभी किस प्रकार से है जो मैपिंग किए थे, किस तरह से जो फर्स्ट चरण को दिखाए थे इस तरह से, सेकेंड चरण को भी है जो इस तरह से हम दिखाए थे, और थर्ड चरण को भी है जो हमने इस तरह से दिखाकर जो लास्ट में है जो पूरा है जो उसको करने का प्रयास किए थे। तो आप है जो एक ओवर भी था इसको देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों एक करेंट अफेयर से रिलेटेड है, करेंट अफेयर से भी रिलेटेड है जो उसको है जो थोड़ा सा देख लीजिए आप। लुकिस्ट पॉलिसी के बारे में है जो लोग बोलते हैं लुकिस्ट पॉलिसी के बारे में, तो लुकिस्ट पॉलिसी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो लुकिस्ट पॉलिसी 1, 2 और 3 ये भी है जो सर का चेक किया हुआ है दोस्तों, ये कहीं दूसरी जगह का है हुआ है।
तो दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के बड़े देशों के साथ संबंध 1990 में, फिर 2005 में है जो छोटे देशों के साथ संबंध बनाया गया, और फिर है जो लास्ट में है जो भारत जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ 2013 में, और अभी है जो लुक ईस्ट से 2014, ये तो पहले का लिखा हुआ है। तो उसके बाद 2014 में फिर है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो नीचे आता है दोस्तों, उसके बाद तो भारत के लिए और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। यह जो मैंने है जो मैपिंग कर दिया था पूरा कि क्या है जो जरूरत है, तो है जो मैंने दोस्तों है जो यहाँ से दिखा दिया था लुक ईस्ट तक, और लुक ईस्ट के बाद है जो क्वेश्चन आ गया था उसी में पूछा हुआ था कि कैसे जो परिवर्तित हुआ, तो फिर है जो भारत के लिए और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। तो भारत हिंद महासागर में प्रतिसंतुलित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के संबंध बनाने हैं क्योंकि चीन अमेरिका ने यहाँ पहले से सैनडा बनाया हुआ है, ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्या जरूरी है, वहाँ उसका है जो विस्तारवादी नीति है उसको रोकने का है जो प्रयास करेगा भारत, तो है दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। अब क्या क्या है दोस्तों इसमें है जो इम्पोर्टेंट है जो दोनों तरफ से है जिसको हम बांटने का प्रयास किए थे। तो आप है जो इस तरह से भी क्वेश्चंस को अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर बड़ा है, अगर आप सोचते हैं कि वहाँ लिखने का प्रयास अगर आप मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा तो उसको आप है जो छोटा करने का है जो प्रयास कीजिएगा, तो इस तरह से आप उसको है जो छोटा कर सकते हैं। और उसी में दोस्तों सार्क और बिमस्टेक के बारे में चर्चा करनी थी। सार्क और बिमस्टेक 1985-97 अभी तक 36 सालों में 18 सम्मेलन हुआ है, 21 सालों में 4 सम्मेलन हुआ है। यह असफल घोषित हो रहा है, यह सार्क का वैकल्पिक रूप है। पड़ोस नीति का संबंध नहीं निभाने के कारण 2019 में पाकिस्तान को मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं करना एक नकारात्मक को दर्शाता है। अभी बिमस्टेक के देशों को निमंत्रण सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के देशों इसके मायने। तो हमने दोस्तों सार्क और बिमस्टेक पर वीडियो बना दिया है पूरी तरह से, जो हमने जो उसको जो जितना भी डेटा था उसको जो हम कंसाइज करने की बात किए हैं, तो आप जो निश्चित रूप से उसको जो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों कि आपको हम अपना एक कॉपी जरूर दिखाएं, तो मेरा एक कॉपी था दोस्तों, और आगे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों। अब बस 65-66 के लिए दोस्तों यही सब चीज़ हो रहा है, और 66 के लिए हमें जो क्वेश्चन आंसर है जो लेकर आएंगे, इस तरह से मैंने एक बनाया है और इस पर जो पूरी है जो चर्चा है जो इस पर करेंगे हम। मैंने एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल देश है, तो इसके बारे में यूरोप की पूरी चारों कंट्री के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके बारे में जो बताएंगे हम, इस तरह से दोस्तों 66 के लिए आपके सामने जो लाने का है जो प्रयास कर रहे हैं। ये हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे लेकिन है जो पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे उसके ऊपर, कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो है जो बोर्नियो है जो सबसे बड़ा है, तो उस पर जो कैसे बोर्नियो है जो 3 द्वीपों का समूह के साथ बना है, पश्चिमी भाग दक्षिणी भाग उसका कौन कौन सा है, तो हमने पूरी विस्तृत है जो चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन ही करेंगे डेली, लेकिन है जो आप लोग है 65 मीन्स दे लीजिए उसके बाद। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।